हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वीबीए इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है वीबीए प्रोग्रामिंग को लेकर के, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक छोटा सा वीबीए है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वीबीए प्रोग्रामिंग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर उसको लेकर के। तो यहाँ पर कई सारे वीबीए पर मैंने पहले भी वीडियोज बनाई है, यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करता हूँ। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और यहाँ पर आपको ब्लैंक डाटाबेस पे जाना होता है। जैसे ही जाते हैं तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का आता है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें अभी जरूरत नहीं है, तो हम यही रहने देते हैं। और यहाँ पर क्रिएट पर करना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आ गया। अब करना क्या है, इस टेबल को क्लोज कर देना है। और क्लोज करके हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, तो इस क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। हमें आना है ये वाले सेक्शन में, यानी मैक्रोज एंड कोड वाले सेक्शन में, और यहाँ पर मॉड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है मॉड्यूल हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ कोडिंग करनी है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कोडिंग करनी है। यानी आप जो है वीबीए प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे इस छोटी सी कोडिंग की मदद से, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर ये स्टार्ट करेंगे आप। तो अभी यहाँ पर हमें पब्लिक फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन। आप इसे प्राइवेट भी रख सकते हैं, पब्लिक भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने पब्लिक रखा है, पब्लिक फंक्शन। अब फंक्शन क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया हेलो नाम से, HELLO, हेलो लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। तो चूंकि फंक्शन में तो ब्रैकेट ओपन क्लोज रहता ही रहता है, अब एंटर करके आएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे डिम, ठीक है। और डिम लिख करके यहाँ पर, चूंकि हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो आपको मैंने पाइथन में भी पढ़ाया है कि स्ट्रिंग क्या होता है, इसके अलावा MySQL के अंदर भी पढ़ाया है कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग तो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इसे मैं लिख देता हूँ एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एज स्ट्रिंग कर दिया, डिम स्ट्रिंग वन, यानी स्ट्रिंग वन में जो भी डेटा स्टोर होगा वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, ये बता दिया गया। अब एंटर करेंगे और स्ट्रिंग वन में क्या स्टोर कराना है वो यहाँ पर हम दे देते हैं। तो क्योंकि हमने वहां पे स्ट्रिंग वन दिया है, जो भी देंगे यहाँ पर वही चीज आपको देना होगा। जो स्ट्रिंग वन है इसके अंदर मैंने ये लिख दिया है, हेलो आई एम सूरज तिवारी फ्रॉम कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। और फिर मैसेज बॉक्स बनाया है, मैसेज बॉक्स तो मैंने कई बार आपको बनाना सिखाया है कि मैसेज बॉक्स क्या होता है, बहुत जनरल है कोडिंग इसकी, ठीक है, और बहुत स्टार्टिंग की कोडिंग है। तो देखिए यहाँ पे MSG बॉक्स लिखा और स्ट्रिंग वन को प्रिंट करा दिया। तो जो भी स्ट्रिंग वन के अंदर स्टोर होगा ना वो चीजें प्रिंट होती चलेंगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो देखिए हेलो आई एम सूरज तिवारी फ्रॉम कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो क्या अगर यहाँ पर हम कुछ दूसरा भी बना दे तो वो भी चलेगा क्या इस फंक्शन के अंदर? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर स्ट्रिंग टू कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो आई एम फ्रॉम देवरिया DEORIA ये लिख दिया हमने और इसको बंद कर दिया, तो क्या ये भी चलेगा क्या, एक बार इसको भी देखना होगा। और यहाँ पे फिर हमें दूसरा स्ट्रिंग है, तो MSG बॉक्स BOX, और यहाँ पर क्या करना होगा, MSG बॉक्स करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, MSG बॉक्स। तो यहाँ पर जो है हम अब चाहते हैं कि स्ट्रिंग टू को भी प्रिंट कराया जाए, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टू दे देते हैं। तो यहाँ पे एक तो स्ट्रिंग वन हो गया, दूसरा स्ट्रिंग टू हो गया, तो क्या ये दोनों चलेगा इसको चलाने पर? तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ओके किया, फिर दोनों चल रहा है। यहाँ देखिए हेलो आई एम फ्रॉम देवरिया भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है, यानी जितना चाहे उतना स्ट्रिंग इसमें ले सकते हैं आप, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत बेसिक सी वीडियो, आप इसमें तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी बना सकते हैं, जितने स्ट्रिंग चाहे उतने स्ट्रिंग आप प्रिंट करवा सकते हैं मैसेज बॉक्स के थ्रू, ठीक है, और इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ABCD कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये काम करेगा कि नहीं करेगा फिर इसमें डाउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर A कर दिया है और इसको चेंज करके B कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये डाउटफुल चीजें हो जाएंगी, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग वन की जगह हटाना होगा और फिर यहाँ A लिखना होगा और फिर यहाँ पर तो B लिखना होगा, तो क्या ये काम करेगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट हो जाता है इस बात पर फिर कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे चलाता हूँ तो ये भी काम कर रहा है, देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसे सेव नहीं किया, तो इसको एक बार कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और अब चलाते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं। तो देखिए अभी भी ये काम कर रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है और बहुत ईजिली आप ये बना पाएंगे, ठीक है। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया है हेलो नाम से, इसके लिए मैक्रोज भी क्रिएट कराना है, यानी हम एक मैक्रो बना देना चाहते हैं ताकि हम वहां क्लिक करें तो ये टास्क परफॉर्म हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाले सेक्शन पर जहां से हमने मॉड्यूल लिया था, वहां पर आ जाते हैं और यहां पर आपको नजर आएगा मैक्रोज। तो मैक्रो जो है
यहां पर क्लिक करना है आपको, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर ये सिनेरियो आता है। अब यहां पर ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना होगा, ठीक है। और यहां पे कहां आना होगा, रन कोड एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर, यहां देखिए ये एक मैक्रो मिलेगा आपको रन कोड, तो यहां पर आ जाना है, ठीक है। और यहां पर चूंकि हमारा फंक्शन बना था हेलो के नाम से, ठीक है, तो यहां पर हेलो चूज कर लीजिएगा इस तरीके से। अब यहां पे ब्रैकेट ओपन हो गया है, आप इसको क्लोज भी कर लीजिएगा इस तरीके से। और क्लोज करके क्या करना है, यहां पर इसको सिंपली सेव कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल एस करके, यहीं पे क्लिक कर देते हैं और इसको मैक्रो वन नाम से ही सेव कर देता हूं। तो ये सेव कर दिया, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं, अब आपका काम हो गया। अब यहां पर फायदा क्या हुआ इससे, इससे फायदा ये होगा कि यहीं पर क्लिक करने से आपका वो मैसेज जो कि मैसेज बॉक्स में दिया गया था वो डिस्प्ले होगा, यहां पे जैसे ही ओके करेंगे तो दूसरा मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर आप तीसरा स्ट्रिंग दे देते हैं तो तीसरा भी डिस्प्ले होगा, चौथा दे देते हैं तो चौथा भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप VBA को स्टार्ट कर सकते हैं, आगे की कोडिंग भी मैंने बताई है कई वीडियोस में, तो आप उस पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।